सो डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड क्लास पाथ, सबसे पहले हम लोग यहाँ टेबुलर फॉर्म में हम लोग ले लिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पाथ में, पाथ इज एन एनवायरमेंटल वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, एक एनवायरमेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्लास पाथ इज ऑल्सो एन एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे सिस्टम पे, मतलब हम लोग यहाँ पे विंडोज चला रहे हैं तो विंडोज में एक एनवायरमेंटल वेरिएबल होता है जो पूरे एप्लीकेशंस के लिए कॉमन होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जिसको हम लोग सभी एप्लीकेशन के लिए कॉमन रखते हैं, लाइक जैसे जावा है, जावा के लिए हम लोग पाथ सेट करते हैं। तो अगर हम लोग मान के चलिए और भी कोई जावा के एप्लीकेशन चला रहे हैं, ठीक है ना, वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जावा को यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो .NET फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो एक ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं जो इस टाइप के एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो एनवायरमेंटल वेरिएबल में हम लोग ने सेट किया है वो सारे दूसरे दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली हम लोग रन कर सकते हैं। Then second point है, it is used by operating system to find the executable files, ठीक है। जो path होता है, path हम लोग किसके लिए set करते हैं, ताकि हम लोग executable files को locate कर सकें, ठीक है। और class path में it is used by application class loader to locate the dot class file, class path हम लोग set करेंगे dot class file को locate करने के लिए। और जो क्लास लोडर होगा, क्लास लोडर जो है वो भी उसको लोड कर पाएगा, क्योंकि exe फाइल्स को जो है वो सिस्टम हमारा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग को कुछ जावा के प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग को रन करने हैं, ठीक है, या फिर हमने किसी के दूसरे के सिस्टम से कंपाइल्ड कोड लेके आया, मतलब डॉट क्लास फाइल हमने लेके आया, तो वो उसको लोकेट करके रन करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लास पाथ यूज करते हैं। देन उसका थर्ड पॉइंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द डायरेक्टरी विच कंटेन्स डॉट exe फाइल्स, जिसमें भी exe फाइल्स होंगी उस डायरेक्टरी को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जावा के अंदर बिन फोल्डर होता है, बिन के अंदर बहुत सारी exes होती है, जावा सी डॉट exe, जावा डॉट exe, इस प्रकार से बहुत सारी exes होती है, हम लोग उसको पाथ में सेट करते हैं। एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर एक पाथ नाम का वेरिएबल होता है, उसमें सेट करते हैं। वैसे ही क्लास पाथ में यू आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड ऑल द डायरेक्टिव्स व्हिच कंटेन डॉट क्लास एंड जार फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास कुछ ऐसा डायरेक्टरी होगा जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस बनी होंगी या क्लास फाइल्स होंगी या फिर जार फाइल्स होंगी, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। देन उसके बाद पॉइंट नंबर फोर है, path environment variable once set cannot be overridden. एक बार अगर हम लोग किसी भी डायरेक्टरी का पाथ हम लोग सेट कर देते हैं इस पाथ वेरिएबल पे, तो वो कभी भी ओवरराइड नहीं होती। मतलब हम लोग दो बार अगर पाथ डाल देंगे, ठीक है, सेम पाथ अगर किसी और का होगा तो वो ओवरराइड नहीं कर सकता, एक पाथ एक ही बार सेट होना चाहिए। The class path environment variable can be overridden by using the command line option -cp or -class path to both Java C and Java command. ठीक है, तो class path environment variable override हो सकता है, ठीक है, हम लोग use कर सकते हैं command line cp use कर सकते हैं और class path भी हम लोग use कर सकते हैं, ठीक है, सब Java C और Java के लिए दोनों के। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंस था पाथ और क्लास पाथ के लिए। ओके, तो जावा पैकेज यहाँ पे क्या है, एक ऐसा डायरेक्टरी होता है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस हम लोग रख सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं या फिर सब पैकेजेस भी हम लोग रख सकते हैं। मींस एक ऐसा फोल्डर या फिर डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर हम लोग क्लासेस के कलेक्शन, ठीक है, इंटरफेसेस के कलेक्शन या फिर सब पैकेजेस के कलेक्शन हम लोग रखते हैं। तो क्लासेस के कलेक्शन मीन्स वहां पे क्या होगा, डॉट क्लास फाइल्स होंगी,
ठीक है, वैसे इंटरफेस के लिए भी वहां पे क्लास फाइल होंगी, ठीक है, वैसे यहाँ पे सब पैकेजेस भी क्रिएट होंगे, मतलब एक फोल्डर के अंदर हम लोग दूसरा फोल्डर बनाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेज है वो दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट होता है बिल्ट इन पैकेज, सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड पैकेज। बिल्ट इन पैकेज वो होता है जो हम लोग को जावा कंपाइलर द्वारा पहले से मिला होता है, मतलब जावा डेवलपमेंट किट जो है उसके अंदर पहले से हम लोग को मिल जाता है, जैसे कि जावा, लैंग, AWT, जावा एक्स, स्विंग, नेट, IO, यूटिल, SQL, एक्सेट्रा, इतने सारे हम लोग को यहाँ पे पैकेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग इस पैकेज को यूज करके इसके अंदर बहुत सारे पहले से क्लासेस हम लोग को मिलती है, बहुत सारे मेथड्स हम लोग को मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे रियल टाइम में अगर बिल्ट इन पैकेज की हम लोग बात करें तो कैसे वो दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे माई कंप्यूटर में आ गए हैं, और यहाँ सी ड्राइव में अगर हम लोग जाएं, देन उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स, देन उसके बाद जावा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मिलता है JDK। JDK के अंदर यहाँ पे हम लोग को लाइब्रेरी या फिर हम लोग को ये सोर्स, ठीक है, सोर्स के अंदर हम लोग को बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, एक हम लोग को जिप फाइल मिलती है। अब इस जिप फाइल के अंदर में हम लोग को इस टाइप के पैकेज हम लोग को मिल रहे हैं, जावा, ठीक है, जावा के अंदर यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, AW2, AWT, बीन्स, IO, लैंग, मैथ, नेट, NIO, RMI, सिक्योरिटी, SQL, ये सारे पैकेजेस, और इस पैकेजेस के अंदर जावा फाइल्स होंगी, लाइक यहाँ पे हम लोग ने लैंग यहाँ पे ओपन किया है, तो लैंग पैकेज के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग को मिल जाती है, लाइक बाइट डॉट जावा, कैरेक्टर डॉट जावा, ठीक है, इस टाइप की यहाँ पे क्लास फाइल्स पहले से हम लोग को मिल जाती है, बस हम लोग को इसको यूज करना है और हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके इसको चलाते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फाइल्स को ओपन करके देखूं, ठीक है, यहाँ नोटपैड में अगर हम लोग ओपन करके देखें तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को सोर्स कोड के साथ में मिलता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इफ लगा हुआ है, इस टाइप का ब्रैकेट लगा हुआ है इफ, ठीक है, बहुत सारा इसके अंदर एक लॉजिक बना होता है उस चीज को यूज करने का, लाइक इंटीजर डॉट जावा है, तो इंटीजर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें कोडिंग से लिखी हुई है, हम लोग यहाँ पे वैसा देख सकते हैं, बहुत सारी कोडिंग हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग के पास बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जैसे जावा है, जावा एक्स के अंदर भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, एक्सेसिबिलिटी, एनोटेशन, image.io, image.io, लैंग, मैनेजमेंट, नेमिंग, प्रिंट, RMI, स्क्रिप्ट, सिक्योरिटी, साउंड, SQL, स्विंग, टूल्स, XML, इस टाइप के बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस हम लोग को मिलते हैं। तो यही पैकेज हम लोग यूज करते हैं अपने जावा प्रोग्राम्स बनाने के लिए या फिर जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए। जनरली यहाँ पे AWT हम लोग यूज करते हैं, बीन्स यहाँ पे यूज करते हैं, IO इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं बफर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, देन उसके बाद कंसोल डॉट जावा, फाइल डॉट जावा, फाइल राइटर, रीडर, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब यूनिट नंबर 5 में आएगा। देन उसके बाद लैंग के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जाना पहचाना यहाँ पे होगा, लाइक डबल डॉट जावा, एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस जो है या फिर जावा फाइल्स जो है जो हम लोग को पैकेज के अंदर में मिल जाती है, जब भी हम लोग इस पैकेज के अंदर के जो भी हम लोग जावा फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, मीन्स अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं उसको, तो वो उस फाइल को भी कंपाइल करता है, साथ में हमारे जो जावा फाइल हमने जो बनाया है उसको भी कंपाइल करता है, दोनों को कंपाइल करेगा और वहां से हम लोगों को कुछ आउटपुट निकाल के देगा। तो हम लोगों को इसके अंदर पहले से बहुत सारी चीजें मिल जाती,
जो मैंने एक डॉक्स फाइल बताया था आप लोग को, उस डॉक्स फाइल में भी इसी पैकेज के बारे में ही बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है, कौन सा मेथड किसके अंदर मिलेगा सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को मिल जाती है। जैसे एसक्यूएल पैकेज के अंदर हम लोग गए, एसक्यूएल पैकेज के अंदर भी हम लोग को बहुत सारी चीजें एसक्यूएल से रिलेटेड हम लोग को मिल जाती है, लाइक एरे, ब्लॉब, क्लॉब, कनेक्शन, ठीक है, ड्राइवर, ड्राइवर एक्शन, ड्राइवर मैनेजर, JDBC, ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट, एसक्यूएल इनपुट, ठीक है, एसक्यूएल से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारी चीजें इसके अंदर पहले से मिल जाती है, जिसको हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यूज करना होता है अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, बिल्ट इन पैकेजेस है जो इस source.zip फाइल के अंदर में हम लोग को मिलती है। इसको zip फाइल भी बोलते हैं या फिर jar फाइल भी बोलते हैं, दोनों यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। जावा FX जो है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं एनिमेशंस के लिए, ठीक है। जावा FX जो होता है जिसके अंदर हम लोग एनिमेशंस के साथ में हम लोग बना सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं आजकल के कि टेक्स्ट ऐसे मूव हो रहा है या बटन मूव हो रहा है, ठीक है, बटन में कुछ एनिमेशन हम लोग लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पे जावा FX यूज किया जाता है। तो ये दो पैकेज हम लोग के पास अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर और भी सब पैकेजेस होते हैं। तो मेन पैकेज होता है जावा, जावा के अंदर में ही बहुत सारे सब पैकेजेस अवेलेबल है। पैकेज जो होता है एक फोल्डर होता है, ठीक है, लेकिन फोल्डर कभी भी पैकेज नहीं हो सकता, ओके? कोई भी डायरेक्टरी या फोल्डर पैकेज नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी पैकेज वो डायरेक्टरी हो सकता, ठीक है। तो हम लोग जो पैकेज यहाँ पे यूज करेंगे, बहुत सारे पैकेजेस हम लोग यूज करेंगे और खुद से भी पैकेज बनाएंगे, जिसको हम लोग यूजर डिफाइंड पैकेज बोलते हैं। तो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, जावा पैकेज इज यूज टू कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेसेस सो दैट दे कैन बी इजिली मेंटेन्ड, ठीक है। जावा पैकेज हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस को कैटेगराइज कर सके। लाइक जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी जावा एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही फाइल के अंदर पूरा का पूरा क्लासेस को लिख दिए, हम लोग वहां पे हर एक क्लास को अलग अलग फाइल्स में स्टोर करते हैं। तो हम लोग उसको एक पैकेज बना ले, पैकेज के अंदर में उसको स्टोर करते जाए, तो हम लोग को पता रहेगा कि अगर इस टाइप की फंक्शनैलिटी का एक क्लासेस बना हुआ है तो वो हम लोग को किस पैकेज के अंदर मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारे मेथड बनाए, ठीक है, हम लोग अपनी खुद से मेथड बनाए और उसको हम लोग एक डॉट जावा फाइल में हम लोग सेव कर लिए और उसको हम लोग एक इम्पोर्टेंट मेथड करके हम लोग ने एक बनाया पैकेज और उसके अंदर सेव कर दिया उसको। तो हम लोग को पता है अगर उस मेथड की हम लोग को कहीं पे भी जरूरत पड़ रही है तो हम लोग को उस पैकेज के अंदर में मिलेगा, तो हम लोग उस पैकेज को इम्पोर्ट कर लेंगे और उस मेथड को कॉल कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज करते हैं अपने जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है। अगर पूरा ऐसे बिखरा के रखेंगे और हम लोग को बाद में अगर किसी भी मेथड की जरूरत पड़ रही है, किसी भी क्लास को हम लोग को इनहेरिट करना है कहीं पे भी, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करके रखते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे पैकेज के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, जावा पैकेज प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन। जावा जो है वो एक्सेस प्रोटेक्शन हम लोग को देता है। लाइक हम लोग बहुत सारी क्लासेस जो है उसको हम लोग कोई दूसरे पैकेज में यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पैकेज जो है, ठीक है, एक पैकेज के अंदर क्लासेस रख दिए, दूसरे पैकेज में हम लोग दूसरी क्लासेस रखते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि दूसरे पैकेज में पहले पैकेज के कुछ क्लासेस एक्सेस हो पाए, ठीक है। तो पैकेज और एक दूसरा पैकेज, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वहां पे एक्सेस प्रोटेक्शन का फीचर वहां पे एप्लीकेबल कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड होता है, जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कोलिजन, ठीक है। अगर हम लोग एक जावा फाइल बनाए हैं ABC नाम से, हमने उसको एक पैकेज में डाल दिया,
फिर हमने एक और दूसरा पैकेज बनाया जिसमें सेम एबीसी डॉट जावा नाम के फाइल बनाए, लेकिन दोनों अलग अलग पैकेज में, तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेमिंग का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, नेमिंग कोलिजन नहीं होगा। अगर हम लोग सेम पैकेज में एबीसी डॉट जावा करके दो फाइल बना देते हैं तो वहां पे नेमिंग कोलिजन होगा। कोलिजन मीन्स दोनों, ठीक है, तो दोनों जो है सेम फाइल हो जाएंगे, तो वहां पे उस पैकेज में कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कोलिजन होगा दोनों के बीच। ठीक, तो यहाँ पे तीन चीजें होती है जिसके तीन एडवांटेज होता है। एक तो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, दूसरा एक्सेस प्रोटेक्शन, थर्ड होता है नेमिंग कोलिजन। ठीक है, तो ये तीन एडवांटेजेस हैं जावा पैकेज के।